हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुरानी पैंट से स्कर्ट बनाने वाले हैं। यदि यह नए कपड़े से बनाई जाए तो और भी अच्छी लगती है, लेकिन केवल पैटर्न सिखाने के हिसाब से मैं इसे पुराने कपड़े पर बना रही हूँ। यहाँ मैंने दो पैंट ले ली हैं और इसे पूरी तरह से हमें खोल लेना है, और इसी तरह से एक दूसरी पैंट को भी हमें खोल लेना है। यानी इस तरह के हमारे पास दो पल्ले हो गए और इस तरह के भी हमारे पास दो पल्ले हो गए। अब इस पल्ले में जो बीच में सिलाई लगी हुई है उसे भी हमें खोल लेना है। अब जिस ओर से छोटा साइज़ है उस ओर का नाप मैंने लिया है और ये 11 इंच है। इसके तीन भाग हमें कर लेने हैं। और दूसरी ओर का पल्ला थोड़ा बड़ा है, इसे ऐसे ही रहने देना है और इसके तीन भाग कर लेने हैं। अब इसे कट कर लेना है। अब इसी तरह से दूसरे पल्ले के भी हमें टुकड़े कर लेने हैं, लेकिन जो डार्क कलर की पट्टियां हैं वह 5 इंच छोटी हैं। अब इन पट्टियों को हमें इस तरह से जोड़ लेना है, एक हल्के रंग की एक डार्क रंग की, इस तरह सिलाई लगा कर जोड़ लेना है। इसी तरह से दूसरी पट्टी भी रख कर सिलाई लगानी है। लगाते समय हर पट्टियों में इतना हिस्सा हमें खुला रहने देना है, 1 इंच ऊपर का, और फिर सिलाई लगानी है। अब सारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब इस ओर का सिरा और दूसरी ओर का सिरा हमें सिलाई लगाकर जोड़ लेना है ताकि गोल घेरा तैयार हो जाए। गोल घेरा तैयार होने के बाद डार्क कलर की पट्टी को हटाकर हल्के रंग की दोनों पट्टियों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब सारी पट्टियां हमने जोड़ ली हैं और ये जो 1-1 इंच का हिस्सा खुला हुआ था ये इस तरह से अलग दिखाई दे रहा है। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है कि ये कट वाला भाग बीच में आए, और इसे बिल्कुल पास से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। अभी मैंने सारी पट्टियों में सिलाई लगा ली है और ये पीछे की ओर से इस तरह दिख रही है। अब यहाँ पर हम जिप लगाएंगे, चेन लगाएंगे। अब यहाँ मैंने दो पट्टियाँ ले ली हैं, इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है, सिलाई लगा लेनी है। दूसरी पट्टी को भी थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और अब स्कर्ट के सीधे वाले हिस्से में, ये उल्टा वाला हिस्सा है तो इसे पलटा लेना है, और यहाँ से हमें इस तरह से पट्टी रखनी है और सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी हमें पट्टी लगा लेनी है। अब इस पट्टी को पीछे की ओर पलटा लेना है और थोड़ी दूर से एक सिलाई लगा लेनी है। दूसरी ओर की पट्टी को भी पलटा लेना है और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद स्कर्ट को उल्टी कर लेना है और इस तरह जिप रखनी है और चेन लगा लेनी है। सिलाई लगा ली इस तरह से हमने। यदि चेन लगाने में परेशानी हो तो जिन दोनों सिरों पे हमें चेन लगानी है को मिलाते हुए सेलो टेप लगा लें और अंदर की ओर से चेन लगा लें। इसके बाद सामने की ओर लगाई हुई सेलो टेप को निकाल लें। अब ऊपर की ओर से 1.5 इंच चौड़ा मैंने पट्टा मोड़ लिया है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ मैंने 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक ली हुई है और इसमें सेफ्टी पिन को पिरोकर इलास्टिक को स्कर्ट में पिरो लेना है। अब इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। ये इलास्टिक कमर के नाप से 2 इंच छोटी होनी चाहिए। जो भी कमर का नाप हो उस हिसाब से हमें पट्टियाँ काटनी होती हैं, और हर पट्टी में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई के लिए। नीचे की ओर से एक बार फोल्ड करना है, दूसरी बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है।